हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, खूब बोल्ड रहो और सिर्फ एक बात याद रखिए, वर्क इज वर्शिप। कर्म करिए और फिर आप फल देखिए। लेट्स स्टार्ट। In this case, in astronomical telescope, this is the astronomical telescope, and this is the objective lens, this is the eye lens. Optical center of objective lens is C1, focal length is FO, this is the eye lens, we also say it eyepiece, so its focal length is FE, and this is the ऑप्टिकल सेंटर C2। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आर यूज टू सी द ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज डिस्टेंसेज, सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स, लाइक दिस। तो लार्ज डिस्टेंस है जो रेज आ रही हैं, दीज आर पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज आ रही हैं और ये कन्वर्जिंग लेंस है। तो यहाँ पर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो जो फाइनल इमेज है एट इन्फिनिटी पे बनेगी नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट का ये केस है, मैग्नीफाइंग पावर, और यहां पे ब्रैकेट में आप लिख लीजिए नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दैट इज फाइनल इमेज ऑफ VE, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, VE इनफाइनाइट होगा। सो इन दिस केस ये पैरेलल रेज है और पैरेलल रेज आफ्टर दिस इसके फोकस पॉइंट पर इमेज बना रही है, और जो इसका जो पॉइंट इसके लिए फोकस पॉइंट है, दिस इज द फोकल लेंथ FO हो गया। तो अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पे, और इमेज कहां बन रही है, इसके फोकस पॉइंट पे। सो इसके लिए ये वी भी है इमेज डिस्टेंस और इसके लिए ये फोकल लेंथ है FO, और इसका फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ कोइंसाइडेड है। दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये FO और FE, FO और FE, ये FO मैं बना रहा हूं, दिस इज द FO, ये FO और FE कोइंसाइडेड है, मीनिंग इसके लिए जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज तो यहां बन रही है, बट फॉर दिस लेंस ये ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गया और ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ दिस। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट पे होगा तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। तो दैट इज शोन ओवर हियर कि एक रेज ऐसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई, ये रेज ऐसे आई, ऐसे चली गई और ऐसे पीछे बैक करने पे पैरेलल हो गई, ऐसा लगेगा इन्फिनिटी पे यहां पर इमेज बन रही है। तो दिस इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब इसमें से अगर हम डेराइव करें तो मैग्निफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन है एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, वो भी फाइनल इमेज होनी चाहिए। आप फाइनल इमेज देख रहे हैं तो फाइनल इमेज जो तुम्हें मिलेगी वो इन्फिनिटी पे मिलेगी, और फाइनल इमेज की रे थोड़ा इसको और सीधी कर ले हम और ये ऐसे 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 दिखा देते हैं। सो ये फाइनल फाइनल इमेज की रे है तो ये एंगल बीटा है अपॉन, तो एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट बाय नेकेड आई, नेकेड आई से ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो और एंगल सबटेंडेड कितना हो रहा है। पहले ऑब्जेक्ट को देखा, मान लीजिए मून को देख रहे हैं, एंगल सबटेंडेड कितना है, फिर जब टेलीस्कोप से देख रहे हैं तब एंगल सबटेंडेड, मान लीजिए बड़ा सा आप दिखाई पड़ रहा है, अब एंगल सबटेंडेड कितना है। सो इस रेशियो को ही हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, दैट इज बीटा बाय अल्फा एंगल। यहाँ पे आप मैंने दिखा है कि दिस इज द बीटा एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, इमेज यहाँ बनेगी और इससे ये,
और एंगल सब्टेंडेड बाय नेकेड आई, तो ये यहां पर अगर हम आई यहां पर रखेंगे तो ये अल्फा एंगल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो द अल्फा. सो दिस इज ए बी सी वन और ए बी सी टू. तो अगर मैं टेन बीटा की वैल्यू लिखूं तो टेन बीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं इसे हटा रहा हूं, एम इक्वल मैग्निफाइंग पावर एम इक्वल बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा. और टेन बीटा क्या लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज द ए बी, और बेस कितना है बी सी टू, दिस इज बी सी टू. एंड टेन अल्फा, टेन अल्फा इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दिस इज द ए बी अपॉन बी सी वन. सो ए बी एंड ए बी कैंसिल, दिस इज द बी सी वन अपॉन बी सी टू. और बी सी वन क्या है, बी सी वन इज द वी नॉट, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, दैट इज एफ ओ. एंड ये डिस्टेंस तो ये पॉजिटिव होगी, ये इंसिडेंट रे के इधर है, और ये डिस्टेंस नेगेटिव होगी क्योंकि ये डिस्टेंस इस इंसिडेंट रे के इस साइड है, इंसिडेंट रे के इस साइड डायरेक्शन में होगी तो पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव होगी, तो ये आप नेगेटिव करके लिखेंगे. दैट इज माइन जो बी सी टू की जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो माइनस 5 सेंटीमीटर लिखेंगे. तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं दिस वैल्यू इज एफ ई, तो माइनस एफ ई आप लिखेंगे. दिस इज द एम आपका आंसर आ गया. इनकेस कोई डाउट है तो आप पूछें. और नेक्स्ट हम वी आर गोइंग टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर एट द इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो एक होता है एट ए नॉर्मल विजन और एक है स्ट्रेन. तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो स्ट्रेन आई होता है, स्ट्रेन पोजीशन. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. आप इसे देख लीजिए, इन केस कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर लेते. यस स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. इन दिस केस ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस इज द आई लेंस, साइज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज मोर देन द आई लेंस. इन दिस केस वी यूज इट टू सी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए लॉन्ग डिस्टेंस. और इसमें से हमारा ये अरेंजमेंट है टू सी द ऑब्जेक्ट एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. अब इसमें से आप क्या है कि ये पैरेलल रेज आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती है पैरेलल ही होती हैं, तो दिस पैरेलल रेज आ रही हैं और इस लेंस से कन्वर्ज होकर के कहाँ मिलेंगे, इसके प्लेन ऑफ द फोकस पॉइंट पे मिलेंगे. दिस इज द प्लेन ऑफ द फोकस पॉइंट ऑफ दिस, इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस पे तो फोकस पॉइंट ये है, ये प्लेन ऑफ द फोकस पॉइंट यहाँ पे मीट कर रही है, ये ऑल द थ्री वेव्स. अब प्रैक्टिकली क्या होगा कि इसमें से ये आप दिखा दीजिए कि एक रेज ऐसे है, ये ऐसे करके ऐसे ये, और एक रेज यहां पर आपको दिखाना है कि ऐसे करके ऐसे और ऐसे दिखाना होगा मुझे, ऐसे ये हटाना होगा प्लीज, सॉरी आप इसे, और इसको आपको को दिखा देना है थर्ड रेज ऐसे 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 और इसे ऐसे करके दिखा दो ऐसे, और ये मिडिल वाली ये आप हटा दीजिए ऐसे, यहां से ये ऐसे हो गया. सो क्वेश्चन इज दिस कि ये रेज यहां पर कोइंसाइड हो रही है, मतलब इमेज बन रही है, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इंफिनिटी और इस लेंस के लिए इमेज पोजीशन ये है जो इसी की फोकल लेंथ है, तो ये वी इसके लिए वी नॉट भी है
और एफ ओ भी है, फोकल लेंथ पे ये इमेज बन रही है, और इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और इसकी फाइनल इमेज यहाँ बन रही है, तो ये फॉर दिस लेंस ये ऑब्जेक्ट है और दिस इज द इमेज। यहाँ पर आपकी आई है, इस आई से आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि इमेज यहां से यहां बन रही है, रेज यहां से आ रही है, ऐसा तुम्हें फील होगा। तो चलिए ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, तो ये फाइनल इमेज बन रही है, इससे जो एंगल सबटेंडेड है दैट इज द बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट। तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली जब आप देख रहे हैं तो एंगल जो सबटेंडेड है डायरेक्टली वो ये अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल बन रहा है डायरेक्टली बाय द ऑब्जेक्ट, तो बीटा बाय अल्फा। सो नाउ फर्दर यू विल यूज एम इक्वल बीटा अपॉन अल्फा, और इसे हम लिख सकते हैं टेन बीटा अपॉन अल्फा, एंड टेन बीटा, टेन इन दिस ट्राइंगल टेन बीटा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज ए डैश बी डैश, दिस इज द ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी टू, एंड टेन अल्फा दिस इज ये इन दिस ट्राइंगल, टेन अल्फा को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी वन, दिस इज द ए डैश सी वन, ए डैश सी वन। नो ए डैश बी डैश इज कैंसिल और ए डैश सी वन, ए डैश सी वन को हम लिखेंगे एफ ओ, दिस इज वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ ओ, ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी, इंसिडेंट रे के इधर जो मेजरमेंट है ये फॉर दिस लेंस वो पॉजिटिव होंगे और ये डिस्टेंस निगेटिव होगी, क्योंकि इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन, इस लेंस के लिए ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये डिस्टेंस हमें लिखना है, तो उस डिस्टेंस को जब ए डैश बी डैश वो ए ये तो कैंसिल है, ये और ये कैंसिल्ड है, तो ए डैश सी टू, तो ए डैश सी टू को लिखेंगे और जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सो दिस इज यू ई, और इसे अगर मैं ये मेजरमेंट मान लू, लेंथ मान लू, दिस इज द यू ई। अब ज्योमेट्री के बाद, ये तो ज्योमेट्री था अभी तक, ज्योमेट्री ए डैश बी डैश ए बी, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो मान लीजिए इसकी लेंथ है यू ई है, तो हम इसे लिखेंगे माइनस यू ई, ये आ गया, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर, क्लियर है। अब इसको, दिस मैग्नीफाइंग पावर को हम अदर वे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फाइनल तो आ गया आपका, दिस इज द फाइनल, ये एफ ओ अपॉन माइनस यू ई। अब इसको एफ ओ और एफ ई के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप इसे रिवाइज कर लो, मैं फिर उसको भी बता देता हूं। यस, इसको अगर मैं फर्दर, आपने ये डिराइव कर लिया एफ ओ अपॉन यू ई, मैं लिख रहा हूं दिस इज द एम इक्वल एफ ओ अपॉन माइनस यू ई, ये तो आपने, अब इसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे रब कर रहा हूं क्योंकि अब हमें स्पेस की नीड है, दिस इज ये आप हटाइए, हाँ जी, देखो इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए देखिए, वन अपॉन एफ इक्वल वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब इस लेंस के लिए दिस इज द यू ई और ये आपके वी है, वी इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस इज डिस्टेंस एट द डिस्टिंक्ट विजन, ये दिस इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इस लेंस के लिए दिस डिस्टेंस, चूंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर है तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, सो दैट इज वन अपॉन एफ ई लिख रहे हैं, एफ ई इसकी फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी, सो वन अपॉन एफ ई इक्वल वन अपॉन वी, वी पोजिशन ऑफ द इमेज, तो इस लेंस के रिस्पेक्ट में ये इमेज पोजिशन है दैट इज द माइनस डी, एंड माइनस वन अपॉन माइनस यू ई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस डिस्टेंस को
हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू ई लिखा। सो मुझे चाहिए क्या, मुझे वन अपॉन यू ई ही चाहिए। सो दिस इज वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी इक्वल वन अपॉन यू ई, ये हो गया। और इसमें से इन केस मैं एफ वन अपॉन एफ ई को अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से, तो ये बन जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, वन अपॉन यू ई इक्वल, और वन अपॉन एफ ई को कॉमन ले लिया, एफ ई कॉमन हो गया, तो वन प्लस एफ ई अपॉन डी, ये मिल गया आपको। और ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सो दैट इज एफ ओ इक्वल माइनस, और ये बन जाएगा आपका वन अपॉन यू ई, वन अपॉन यू ई के प्लेस पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, वन अपॉन यू ई के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, मतलब वन अपॉन यू ई हटा दो और ये लिख दीजिए, दैट इज वन अपॉन एफ ई और वन प्लस एफ ई अपॉन डी, ये आंसर आ गया आपका, दिस इज द आंसर, ये आंसर है, दिस इज द एम, ये आपका आंसर है, दिस इज आंसर, एम इक्वल एफ ओ अपॉन माइनस एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, डी इज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कोई डाउट है पूछ लीजिए, सो सिंपल है, वेरी सिंपल। अब इसके बेस पे कुछ कंसेप्ट बातें वो डिस्कस कर लेते हैं, पहले आप प्लीज आप इसे रिवाइज कर लीजिए।